हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन डेवलपर गुरुजी। दोस्तों, मैं आज काम समय की तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बहुत कुछ क्वेश्चनों के प्रारूप दिए हुए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। एक दो वीडियो शायद और बनेंगी जिसमें काम समय समाप्त हो जाएगा। इन वीडियो को लेने का मकसद मेरा यह है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन हों एग्ज़ाम की दृष्टि से, वे सभी इन वीडियो में डाल दिए जाए और उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखो, जैसा दो आदमी एक काम 960 रुपये में लेते हैं, मतलब 960 रुपये में एक काम को करने का जिम्मेदारी ली, वे इसे क्रम से 16 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे अकेले अकेले करें तो 16 दिन में और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। तीसरे आदमी का हिस्सा बताओ। हिस्सा जब भी निकलेगा तो हिस्सा निकालने के लिए अनुपात चाहिएगा। अनुपात निकला तो हिस्सा भी निकला। अब तीनों का काम निकाल दो एक दिन का। अब देखो, ए जमा बी का एक दिन का काम, एक बटा 16 जमा 1/24, ये क्या हुआ? ये 24 है, 16 है, लघुत्तम क्या आ गया? 48 लघुत्तम आ गया। 16 3 48, 24 2 48, ये 5/48 आ गया। क्या आ गया? ये दोनों का काम आ गया। अब तीनों मिलकर करते हैं सर 8 दिन में, तो तीनों का एक दिन का काम, ए जमा बी जमा सी, तीनों का एक दिन का काम। ए जमा बी जमा सी, तीनों का एक दिन का काम हो गया 1/8। ये ए जमा बी का काम, ये ए जमा बी जमा सी का काम, हमें तीसरे आदमी का हिस्सा पूछ रहा, यानी कि सी का हिस्सा पूछ रहा, तो सी का एक दिन का काम, तीनों के एक दिन के काम में से दो का एक दिन घटा दो, यानी कि 1/8 -5/48। अड़तालीस लोग उत्तम आ गया, क्योंकि 8 × 48 हों 1/48 आ गया। यह आ गया सी का एक दिन का काम 1/48। ए का एक दिन का काम 1/16, बी का एक दिन का काम 1/24। तो अब इन तीनों का अनुपात निकाल दो। तीनों की एक दिन की, तीनों की एक दिन की मजदूरी का 1/16 अनुपात 1/24 अनुपात 1/48, इनके सब के हर बराबर कर दो। 16 का 48 बनाया दिया तो 16 3 48, 24 का 48 बना तो 24 2 48 और 1/48, अनुपात क्या आ गया? 3:2:1 आ गया। अनुपात योग निकाल दो। तीन जमा दो जमा 1/6, अतः 960 में सी का हिस्सा 960, सी का अनुपात कितना? 1/ अनुपाती योग 6 आ गया। 6 × 6 = 36, 0, ये आ गया 160 रुपये। मैथ प्रैक्टिस मांगता है। अब एक क्वेश्चन किया हमने, ये पूरे पेज पर क्वेश्चन किया, क्यों? क्योंकि समझाने की दृष्टि से किया गया, एक का किसका
पॉइंट समझा गया। ठीक, यदि अपने आप करेंगे तो ये क्वेश्चन 2 या 3 लाइन का, कम से कम 10 या 12 सेकंड का क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पी क्यू आर को एक काम 5750 रुपये में करने का नियुक्त किया गया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम किया, पूरा किया, और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तो क्यू की मजदूरी पूछ रहा, तो देखो ध्यान से, मजदूरी जब तक नहीं निकलने की जब तक अनुपात नहीं निकलने का, अनुपात निकलने के बाद अनुपातिक योग होगा, उसके जरिए हम इनकी मजदूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं, पी जमा क्यू का क्या कार्य 19/23। ये तो पी ने क्यू ने मिलकर किया, आर ने कितना किया, आर ने किया 1-19/23, 23 कम 23, 23 में से 19 के 4/23, ये हो गया आर ने किया काम। ये आर ने कार्य किया, आगे चले, क्यू जमा आर ने मिलकर कार्य किया 8/23 काम पूरा किया, तो क्यू जमा आर का तो पी ने किया कार्य बराबर 1-8/23 पी ने किया कार्य 1-8/23 23 कम 23 23 में से 8 के 15/ ये पी का कार्य आ गया, आर का कार्य आ गया, पी का कार्य आ गया। तो पी कार्य यहाँ से घटा देंगे, पी प्लस क्यू के कार्य में से, तो कार्य किसका आ जाएगा, पी का, क्यू कार्य पी घटा देंगे तो क्यू का, तो क्यू का कार्य, क्यू का क्या कार्य, उन्नीस बटा तेईस माइनस 15/23 4/23। ये 4/23 कार्य आ गया किसका, ये 4/23 कार्य आ गया इसका, क्यू का। अतः मजदूरी में अनुपात बराबर पी का कार्य कितना गया 15/23, क्यू का 4/23 और आर का भी 4/23, ये अनुपात आ गया इनकी मजदूरी का। तो 23 भाग दी, गुना कर दी 23 में सम, तो 15 ये अनुपात आ गया, अनुपातिक योग। पंद्रह 4, 19, 4, 23 यह आएगा अनुपातिक योग। अब ये पूछ रहा क्यू की मजदूरी, क्यू की मजदूरी देखो ध्यान से, कितने रुपये में ठेका लिया 1557,50, क्यू का अनुपात 4, अनुपातिक योग 23, 23 से काटेंगे कितनी बार कटा 5750 को 23 से भाग दो, 23 दुनी 46, 1 बचा 1 बचा 23 चौका 4 से 12
तीन बार चलाओगे तीन दिनों 5750 की जब डिवाइड करेंगे 23 से तो क्या आया 23 दुनी 46 11 बचे 5 उतार लिया 23 चौका 23 दिया 4 से 12 4 दुनी 8 एक 9 5 बार चला दी 5 तो 5 से 15 5 दुनी 10 एक 11 0 जब 23 से डिवाइड करा तो 250 गुना 4 25 चौका 100 क्यों की मजदूरी कितनी आई 1000 रुपये ये क्यों की मजदूरी आई। इस क्वेश्चन में क्या दिया रहा है ए एक दीवार 30 दिन में बना सकता है जबकि बी अकेला उसे 40 दिन में बना सकता है यदि दोनों मिलकर उसे बनाएं तो 7000 भुगतान प्राप्त होगा बी ए के इनके दोनों एक दिन का कार्य निकाल दो एक दिन का कार्य निकलने के बाद इनका अनुपात निकलेगा अनुपात से इनका हिस्सा निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से ए का एक दिन का कार्य 1/30 बी का एक दिन का कार्य 1/40 अनुपात एक दिन के कार्य का अनुपात बराबर 1/30 अनुपात 1/40। अब इनका गुना कहीं से करेंगे इनके लघुत्तम से गुना कर दो इनके ऊपर लघुत्तम इनका आ गया 120 तो 30 चौका 120 हो 4 अनुपात 3 का अनुपात आ गया अनुपातिक योग 4 × 3 = 7 बी का हिस्सा 7000 रुपये कुल मजदूरी गुना बी का अनुपात 3/7 7 × 1000 आ गया 1000 दिया 3000 बी की मजदूरी कितनी आई 3000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं ए कार्य को 18 दिन में बी इसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है बी ने वह कार्य 10 दिनों तक किया और छोड़कर चला गया ए अकेला शेष कार्य पूरा करेगा। अब देखो ध्यान से ए का एक दिन का कार्य निकाल दिया बी का भी एक दिन का कार्य निकाल दिया दोनों का एक दिन का कार्य निकाल दिया इकट्ठा फिर 10 दिनों तक का कार्य निकाल दिया और 10 दिन बाद छोड़कर चला गया शेष कार्य पूछा शेष कार्य कौन पूरा करेगा शेष कार्य पूरा करेगा ए। तो देखो ध्यान से ए का एक दिन का कार्य 1/18 बी का एक दिन का कार्य 1/15 दोनों का एक दिन का कार्य 1/18 × 1/15 लघुत्तम कितना आ गया 90 18 × 5 = 90 15 × 6 = 90 ये 11/90 आ गया ये क्या आ गया दोनों का एक दिन का कार्य आ गया। अब ये देखो क्वेश्चन में बी ने वह कार्य 10 दिनों तक किया बी का एक दिन का कार्य कितना 1/15 10 दिन का कार्य 10/15 इसकी कोई जरूरत नहीं है बीच में करने की इसकी जरूरत यूँ नहीं है कि दोनों कार्य मिलकर नहीं कर रहे बी ने अकेले ने क्या कार्य तो बी का 10 दिन का कार्य 10/15 5 × 10 = 15 तो शेष कार्य पूछा उसने शेष कार्य
वन माइनस दो बटा तीन, तीन गम तीन, एक बटा तीन कार्य शेष हो गया। तो देखो ध्यान से, ए पूरा कार्य करता है बराबर 18 दिन में, ए एक बटा तीन कार्य करता है बराबर एक बटा तीन गुना 18, तीन छः 18, छः दिन में। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था और आसान था। क्या था? ए कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी करता है उसे 15 दिन में। बस बात यहीं ख़त्म करने के बाद इन्होंने अकेला सब क्वेश्चन चलता है, क्या कहता है, बी ने वह कार्य 10 दिनों में किया और 10 दिन कार्य करने के बाद छोड़ कर चला गया, अगेन अकेले ने कार्य पूरा किया, तो बी का एक दिन निकाल दिया, एक दिन निकाल दिया, बी का 10 दिन कार्य निकाल दिया 2/3, शेष कार्य निकला 1-2/1/3 कार्य शेष आ गया, 1/3 कार्य शेष आ गया। तो ए पूरा कार्य करता 18 दिन में, 1/3 कार्य करेगा 1/3 गुना 18 दिन में। और मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक्स।